हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड प्याज पकौड़ा, या आप कांदा भी बोल सकते हैं, बहुत से लोग प्याज बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा है, आसान सा है, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी बनती है। और ये हमें इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमें इसमें आलू वगैरह नहीं उबालने पड़ते हैं, उसमें इसको नहीं भरना पड़ता है। बहुत ही अच्छे से आसान से बन जाता है। ब्रेड को हम कांदे के साथ में फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने बनाया है इसको, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जो हमारा ये ब्रेड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसको चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड्स। और अभी हम रोज़ रोज़ जो हम ये प्याज के पकौड़े खा के थक जाते हैं या रोज़ कटलेट्स खा के थक जाते हैं ना, तो हम दोनों को कम्बाइन करके एक अलग सी रेसिपी बना के खाएँगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बता देती हूँ कैसे बनाना है। मैंने अभी 1/2 किलो बेसन लिया है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसमें मैंने अजवाइन डाली है थोड़ी सी, और अभी अक्खा ज़ीरा डालेंगे बेसन में। और इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को धोकर डालेंगे और प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काट लेना है, ये देखिए। और अब धोने के बाद में हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और इसको पहले मिला लेंगे। जो प्याज का पानी होता है ना, पहले वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक साथ ही डालना है, वरना ये ना आप इसको बनाने कुछ और जाएंगे, बन कुछ और जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक बैटर बना लेना है, थोड़ा सा मीडियम, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसमें ब्रेड रखें तो ये ब्रेड इसमें डूबे थोड़ा सा, और जो कांदा है ना हमारा, इसके ऊपर लग जाए। इस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो मेरे देखिए, ब्रेड के स्लाइस है, इसको हमें बीच से ना ऐसे काट लेने हैं। ये देखिए, ये बढ़िया से हमारी ये कट चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो पहले तो हमें ब्रेड लेना है, इसके अंदर डुबाना है और प्याज उठा के इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर अच्छे से इस तरीके से रख देने। ये देखिए, हो गया ना बढ़िया सा। अब इसको पकड़ के हम इसमें हमारी ये कढ़ाई में डाल देंगे। ये बढ़िया सा क्रिस्पी वाला हमारा ये ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार होने वाला है। ये देखिए, अभी सारे जो है ना ब्रेड इसी तरीके से मैं बेसन में डुबा के, प्याज उसके साथ ऐसे पकड़ के और कढ़ाई में डाल दूंगी। ये देखिए, सारे मैं फटाफट ऐसे डाल दूंगी, तो ये बड़े अच्छे से ना क्रिस्पी बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्रेड के साथ ही प्याज भी हमारा अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा गैस हो या इंडक्शन जो भी, उसको फास्ट रखेंगे, थोड़ा तेज़ पे करेंगे। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसको स्लो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। और ये हमारा जो ब्रेड प्याज पकौड़ा है, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही क्रिस्पी वाला। तो मैं सारे जो है ना वो इसी तरीके से बना लूँगी, इसको निकाल लूँगी प्लेट में और सारे पकौड़ों को इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। बड़े मज़ेदार बने हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, झटपट वाले हमारे ये ब्रेड प्याज पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। बड़ा बढ़िया सा मज़ेदार सा दिख रहा है, क्रिस्पी वाला, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जल्दी बनता है फटाफट। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी रमज़ान में अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए, इन्जॉय करिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।